अब हम जनसंपर्क में जा रहे हैं तो गुंडागर्दी करके अश्लील वीडियो बना के क्या आप बनाना चाहते हैं? मंत्री जी, ओ मंत्री जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कान खोलकर सुनिए। अमर छतौनी के ग्रामीणों पर झूठा इल्जाम लगाना बंद कीजिए। आम लोगों के आक्रोश को गुंडागर्दी का नाम मत दीजिए। कल तक जब थोक के भाव यही लोग वोट करते थे तो गुंडे नहीं थे। आज जरा सा सवाल क्या पूछ लिया आपने, हंगामा खड़ा कर दिया। मंत्री जी, आपको गुंडे की परिभाषा पता है या अपनी सियासी जमीन खिसकते देख आपके दिमागी संतुलन गड़बड़ाने लगा है या आप विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं? लोगों की इमोशन के साथ खेलने की कला तो आप जानते ही होंगे, अच्छे से आपको आती भी होगी, मगर ये पब्लिक है, अब जाग चुकी है। अब सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलेगा, न ही हिंदू मुसलमान करने से। अब वो काम करने को वाले को ही वोट देगी, काम न करने वालों से सवाल पूछेगी। यह हमारी युवा पीढ़ी है जिसने आपसे सवाल पूछा, ये गुंडे हो गए हैं। सीने में आक्रोश की आग सुलग आएगी तो सवाल पूछने का तरीका थोड़ा अलहदा हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप आम पब्लिक को गुंडा बताने लगे। और जिस सड़क के प्राकलन का बोर्ड पढ़कर आप सुना रहे हैं उसमें मिशन चौक लिखा है, जबकि यह सड़क पकड़ी दयाल को ढाका रोड से भी जोड़ती है। बीच में मिशन चौक कहाँ से आ गया? दूसरा, 15 साल से कुछ किए नहीं। इस चुनावी साल में आपके हिसाब से टेंडर मार्च में हो गया तो फिर अब तक काम शुरू क्यों नहीं हुआ? अब जब चुनाव का समय नज़दीक है तो 1-2 ट्रैक्टर मिट्टी भराई कर आप यह बताना चाहते हैं कि काम शुरू हो गया, दिसंबर तक पूरा भी हो जाएगा, हद है भाई। आप यह भी कह रहे हैं कि 15 वर्ष में इस गांव में न सड़क थी, न बिजली, न पानी, तो आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। 2005 से पहले इस सड़क का कालीकरण हुआ था और तत्कालीन काबीना मंत्री रामादेव की कृपा से इसका निर्माण हुआ था। न न न न तब वो राजद सरकार में PhD मंत्री थी, भाजपा में नहीं थी। बिजली भी तभी के देन है। और रहा पानी का सवाल, तो गांव के लोग इतने सक्षम हैं कि सबने 15 से 20 हज़ार खर्च कर बोरिंग करा रखी है, पानी की समस्या नहीं है। ले देकर जर्जर सड़क ही वो फांस है जो यहाँ के हर लोगों के सीने में कील की तरह चुभ रही है। दर्द होगा तो आक्रोश भी सहज है। बरसात में सड़क पर चलना मौत को दावत देने के बराबर है, क्या बताएं। खाली पैर दौरा लेकर छठ घाट जाते समय सड़क के नुकीले पत्थर नंगे पैरों में चुभते हैं, तो हमारी पीड़ा का एहसास तो आप भी कर सकते हैं ना। अब आप सिर्फ दिल पर हाथ रखकर इस सवाल का जवाब दे दिए, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दिए कि 15 वर्षों में आपने इस गांव के लिए वो कौन सा ऐसा काम किया है जिसके लिए आपको वोट मांग दिया जाए, या और आप वोट मांगने के हकदार हो गए फिर भी वोट मांगने आ गए? क्या सोचा था, सरदार खुश होगा, आपको पलकों पर बिठाएगा और फिर थोक के भाव वोट दे देगा? बात सिर्फ इस गाँव की नहीं है, तो आप इस जनता के आक्रोश को समझिए और अपने झूठे बयान के लिए माफी मांगे, वरना अर्श से फर्श तक जाते देर नहीं लगती और घमंड तो सबका टूटता है। और अपराधी की बात मत कीजिए, क्राइम कंट्रोल पुलिस का काम है, उसे करने दीजिए ना। आप सिर्फ जनता की सेवा कीजिए, अगर जनता ने चौथी बार मौका दिया तो। और हाँ, जिस गांव में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं कम से कम उसका नाम तो याद रखिए, ये भी भूल गए हैं, 10 साल पर आने पर यही होता है। एक आम सवाल तो छूट ही रहा है, जनता ने आपके साथ इस तरह का अश्लील व्यवहार किया, किस तरह का, बताने की कृपा करेंगे? हाँ, फजीहत तो की जरूर की करेगी भी और आगे भी करती रहेगी। हर नकारे नेता को अपमान झेलना ही पड़ेगा। अब फूलों की माला तो नहीं न पहनाएंगे, तो फिर आप हमें गुंडा कहना बंद कीजिए प्लीज। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत योजना PWD रोड से मिशन चौक तक 1.400 किलोमीटर का 46.832 लाख रुपया का 5 साल तक रख रखाव का ये रोड का निविदा हुआ है और इसका कॉन्ट्रैक्टर काम भी प्रारंभ हो गया है। जिसके इस्टीमेट में थोड़ी त्रुटि थी तो चीफ इंजीनियर इस काम को भी और कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग पथ प्रमंडल द्वारा भी काम किया है, जिसका संवेदक है मैसेज आकाश कंस्ट्रक्शन गोपालपुर मोतिहारी। कार्य आरम्भ करने का 16/3/20 है, समाप्ति 15/12/20 है। अभी दिसंबर महीना 15/12/20 नहीं आया। आज हम जनसंपर्क विभाग के काम में जब हम इधर घूम रहे थे तो राष्ट्रीय जनता दल के असामाजिक तत्व द्वारा हमें घेर कर और जानलेवा हमला का प्रयास किया गया। अगर स्थानीय लोग वहाँ नहीं आता तो अप्रिय घटना घटता और हमारी जान भी जा सकती थी। हम लगातार कह रहे हैं कि अपराध और अपराधी के खिलाफ ये लड़ाई है, तो हम लगातार कह रहे हैं कि अपराध अपराधी के खिलाफ ये लड़ाई है,
हमने जो अगर सेवा नहीं किया रहता तो ये साइन बोर्ड नहीं लगा रहता मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम। और माननीय मुख्यमंत्री के भी बारे में अश्लील बात की गई है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 15 साल वे सत्ता में रहे, ये मुख्य पथ नहीं बनवाए, बिजली नहीं दिए, पानी नहीं दिए, और जब हम जनसंपर्क में जा रहे हैं तो गुंडागर्दी करके अश्लील वीडियो बना के क्या बनाना चाहते हैं।